अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है ऑन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेजर और माइनर करेक्टर हैं पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के। सो आइए देखते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर करेक्टर आपको स्टोरी में नज़र आएगा वो आएगा नरेटर का, कि एक्चुअली ये स्टोरी एक नरेशन पे बेस्ड है। इस स्टोरी को नरेट करने वाला कौन है? जो नरेटर का करेक्टर है ना, ये पॉसिबली जॉन बुनियान का है, क्योंकि ही इज़ अ राइटर। देयरफॉर जो नरेटर है या जो नरेटर का करेक्टर है वो एक जॉन बुनियान का करेक्टर है, या स्टोरी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, क्योंकि सारी स्टोरी एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से नरेट की गई है। ये सारी नरेशन का जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि एक्चुअली ये स्टोरी नरेट करने वाला कौन है, वो जॉन बुनियान है। जॉन बुनियान नरेट दिस स्टोरी एज इफ ही वाज सीइंग इन इट हैज़ ड्रीम। एक्चुअली क्या करता है जो नरेटर होता है, वो एक नींद में होता है, उस टाइम वो एक ड्रीम देखता है। उनके विजन में एक करेक्टर आता है कि एक क्रिश्चियन है, ही इज़ रियली डिस्टर्ब इन टू द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, एंड ही इज़ इन द सीक इन द सर्च ऑफ द सालवेशन एंड द गॉड ग्रेस, हो गॉड की ग्रेस के लिए। ये सारी जो नैरेटिव टेक्निक है या जो पर्सपेक्टिव है, वो ये जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है द नरेटर, वो ये हमें बताता है। एंड द रिविलेशन ऑफ क्रिश्चियंस जर्नी इज समथिंग है समथिंग ही विश टू शेयर विद कम्युनिटी। ये ही नरेटर का व्यू पॉइंट था कि इन्होंने जो ड्रीम में देखा था क्रिश्चियन की रिविलेशन, उनकी सारी जर्नी के बारे में इन्होंने जो कुछ अपने ड्रीम में देखा था, अब वो इन कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। He uses the first person throughout the text through some what infrequently and he often addresses the reader directly. ज़्यादातर अब देखेंगे स्टोरी फर्स्ट पर्सन के पर्सपेक्टिव में डिफाइन की गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट रोल फिर भी आपको मिलेगा वो नरेटर का मिलेगा। अब जो सेकंड अहम करेक्टर है इसका, वो है एवेंजेलिस्ट। द एवेंजेलिस्ट अपीयर्स टू इंस्ट्रक्ट द क्रिश्चियन हाउ टू रिड हिमसेल्फ ऑफ़ हिज बर्डन। ये एवेंजेलिस्ट एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है द पिलग्रिम प्रोग्रेस का। वो बार बार अपीयर होता है, क्रिश्चियन को ये इंस्ट्रक्ट करता है, उसको बताता है दैट हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दिस बर्डन, जो उनके बैक पे बर्डन होता है उनके गुनाहों का, उनके सारे बैड एक्ट्स के, एक्शन के। ही टेल्स क्रिश्चियंस हाउ एंड वेयर टू गो एंड ऑक्यूशनली अपीयर्स टू शेयर क्रिश्चियन बैग टू ट्रेक और हेल्प हिम आउट ऑफ टाइट स्पॉट ड्यूरिंग हिज जर्नी। जहाँ पर भी ये क्रिश्चियन मुश्किल में होता है, कहीं भी जहाँ पर वही कन्फ्यूजन फ्रस्ट्रेशन में होता है, तो ये करेक्टर उस टाइम अपेयर होता है, वो क्रिश्चियन को गाइड करता है और हेल्प करता है एंड गाइड करता है थ्रू आउट हिज जर्नी। His name is directly drawn from the Bible. ज़्यादातर evangelist का character जो लिया गया है वो एक angels से ही उनकी कंपेरियन की गई है। सो ये हो सकता है कि बाइबल का करेक्टर है, डायरेक्टली टेकन फ्राम द बाइबल। सिंस द राइटर ऑफ द गोस्पल आर रेफर टू एज evangelist, द टर्म्स कम फ्राम द ग्रीक वर्ड फॉर द गुड न्यूज़। द evangelist ऑलवेज कम विद गुड न्यूज़ फॉर इट फॉर इट एंड इज हिज मैसेज दैट लीड्स क्रिश्चियन टू द सॉल्वेशन। यहाँ पर ये जो एवेंजेलिस्ट है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है गुड न्यूज़। जब भी आप देखेंगे स्टोरी में ये करेक्टर एवेंजेलिस्ट आता है, तो वो कोई ना कोई न्यूज़ लेकर आता है। एक गुड न्यूज़ होती है, एक बेस्ट न्यूज़ होती है, एंड यही जो न्यूज़ होती है या यही जो एवेंजेलिस्ट का करेक्टर है, वही इसको गाइड करता है क्रिश्चियन को फॉर द गॉड्स ग्रेस। देन जो इस हिस्टोरी का हीरो है, प्रोटोगोनिस्ट है, वो क्रिश्चियन है। इसका पहले जो फॉर्मली नेम था वो ग्रेसलेस है, लेकिन क्रिश्चियन इज़ अ फेमस नेम। क्रिश्चियन इज़ अ प्रोटोगोनिस्ट ऑफ बुनियान्स इज एलेगरी। ही इज़ अ वेरी मैन एंड ही इज़ अ मीन टू इंस्पायर रीडर्स जस्ट एज हिज स्टोरी इंस्पायर्स अदर करेक्टर इन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये जो क्रिश्चियन है, ये सेंट्रल करेक्टर स्टोरी की, सारी स्टोरी इनके ही अराउंड रिवील करती है। उसके बाद ऑप्शिनेट का आपको करेक्टर मिलेगा। ऑप्शिनेट वन ऑफ द फर्स्ट मैन दैट क्रिश्चियन इनकाउंटर एज ही लीव्स ऑन हिज पिलग्रिम। जैसे ही वो डिसाइड करता है कि अब मुझे होली जर्नी पे पिलग्रिम पे जाना है, तो उसको जो पहला करेक्टर जिसके साथ अपना सारा प्लान डिस्कस करता है वो ऑप्शिनेट होता है।
Austinites eventually refuses to accompany Christian on his journey and later publicly mocks for leaving. अब पहले तो वो refuse करते थे कि I never intended to go on that journey, कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता. And जैसे ही वो Christian जाता है तो उनके पीछे वो वहाँ पर एक मोक करता है, उनका मजाक उड़ाता है. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो प्लायबल का करेक्टर है. प्लायबल स्टार्ट्स आउट एज ए ऑब्स्टिनेट ट्रेवलिंग पार्टनर बट ही एग्रीज टू अकंपनी क्रिश्चियन इवन व्हेन ऑब्स्टिनेट टर्न्स बैक. अब जैसे ही ऑब्स्टिनेट उनको कंपनी छोड़ देता है तो उसके बाद जो सेकेंड जो होता है इनका नाइबरहुड वो प्लायबल होता है. प्लायबल से डिस्कस करता है. प्लायबल इनको स्लू ऑफ डिस्पॉन्ड तक कंपनी करता है, लेकिन जैसे ही वो स्लू ऑफ डिस्पॉन्ड में ये करेक्टर गिर जाता है तो वहाँ पर प्लायबल भी इनको छोड़कर भाग जाता है. देन उनके बाद जो अहम करेक्टर आ जाता है वो हेल्प का करेक्टर आ जाता है. एक्चुअली हेल्प का जो करेक्टर है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव करेक्टर आपको नज़र आएगा जो बार बार यहाँ पर आता है और क्रिश्चियन को हेल्प करता है. इवन जब ये स्लू ऑफ डिस्पॉन्ड एक जगह होती है वहाँ पर जब ये क्रिश्चियन गिर जाता है तो वहाँ से उसको रेस्क्यू करने के लिए जो करेक्टर आता है वो हेल्प आता है. आप देखेंगे इन करेक्टर के अंदर ही आपको एक एलेगरी मिलेगी जो हम स्टोरी डिस्कस करेंगे, तब तक आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद जो अहम करेक्टर है स्टोरी का वो है वर्ल्डली वाइस मैन. अच्छा, वर्ल्डली वाइस मैन ये एक रिप्रेजेंट करता है एक टेम्पटेशन को जो क्रिश्चियन को स्ट्रे करती है फ्रॉम हिज राइट्स पाथ, उनको रिजिस्ट करती है या उनके लिए हिड्रेंस क्रिएट करती है इनके एक स्पिरिचुअल पाथ में. एंड ही टेल्स क्रिश्चियन टू इग्नोर द एवेंजेलिस्ट एडवाइस. ये वर्ल्डली वाइस मैन बताता है कि इग्नोर द इंस्ट्रक्शन एंड द गाइडेंस ऑफ द इवेंजेलिस्ट, उसको छोड़ दें. ही इज़ टैम्प्ट यू एंड देन एंड दैट ही कैन शेड इज बर्डन बाय गोइंग टू द थान ऑफ द मोरलिटी फॉलोइंग द गाइडेंस मिल लीगलिटी एंड हिज सन. अब जैसे ही उस विलेज ऑफ मोरलिटी के करीब ये वर्ल्डली वाइस मैन से मिलता है तो उसको ये बताता है वर्ल्डली वाइस मैन कि आप जिस जर्नी पे जा रहे हैं उसको आपको कोई फ़ायदा वायदा नहीं है एंड यू हैव टू लीव. उसके बाद ये लीगलिटीज के साथ मिलता है. लीगलिटी भी वर्ल्डली वाइस मैन के विलेज ऑफ मोरलिटी के करीब होती है. अहम करेक्टर है लीगलिटी. अब ये सारा एलेगोरिकल करेक्टर्स हैं. He is the head of the town of the morality. A morality का head होता है. Legality represent the law and though he doesn't ultimately senior Christian, his smooth talking has snared many other would-be pilgrims. अब ये लीगलिटी जो है लॉ को यहाँ पर ज़ाहिर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके रूल्स को दिखाता है. अच्छा, ये जो लीगलिटी होती है वो क्रिश्चियन के वैल्यूज़ को अबंडन नहीं करती, उनको वो ज़रूर फॉलो करती है. उनके बाद जो अहम करेक्टर स्टोरी में यहाँ पर आता है वो है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर इज़ ए क्रिटिकल फिगर फॉर बोथ क्रिश्चियन एंड क्रिस्टीना एज दे मेक दियर पिलग्रम्स. इंटरप्रेटर वो होता है जो सारे सेलेस्टियल सिटी के बारे में, गॉड की सालवेशन के बारे में, गॉड की ग्रेस के बारे में क्रिश्चियन और क्रिस्टीना को गाइड करता है. उनके बाद शाइनिंग वंस, ये एंजल्स होते हैं. द शाइनिंग वंस आर द एंजल्स हु अपीयर्स पीरियडिकली थ्रू आउट द बुक एंड यूजुअली दे अपीयर्स अलोन आर इन थ्री ए सिग्निफिकेंट नंबर इन क्रिश्चियनिटी. ये जो शाइनिंग वंस हैं वो भी जब ये अपनी जर्नी के बिल्कुल डेस्टिनेशन के करीब पहुँचने वाला होता है तब ये अपीयर होते हैं. ये भी गाइड करते हैं क्रिश्चियन को उनकी होली जर्नी में. उनके बाद लॉइंस का करेक्टर आपको नज़र आ गया. लॉइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रेस्टोरेशन गवर्नमेंट को. रिस्पॉन्सिबल फॉर गेशिंग द रिलीजियस डिस्टिन ड्यूरिंग द बोनियंस टाइम. अब ये लॉइंस जो होते हैं ये पॉलिटिकल एलेगरी को यहाँ पर जाहिर करते हैं स्टोरी में. उसके बाद जो करेक्टर आता है वो है वॉचफुल. वॉचफुल इज अ पोर्टर एंड एट द ब्यूटीफुल प्लेस द सेकेंड बेस्ट स्टेशन ऑफ हेल्प अलॉन्ग विद वे ऑन द क्रिश्चियंस जर्नी. वॉचफुल भी क्रिश्चियन को हेल्प करता है उनकी जर्नी में. उसके बाद डेम्सल हैं. डेम्सल में डिस्क्रीशन है, प्रूडेंस है, पाइटी है और चैरिटी. ये डेम्सल होती हैं, ये वहाँ पर प्लेस ब्यूटीफुल में होती हैं. ये भी करेक्टर हैं जो स्टोरी में आगे चल के अपेयर होंगे. उसके बाद अपोलियन का जो है वो करेक्टर आपको नज़र आएगा. अपोलियन एक इविल फोर्स के तौर यहाँ पर है. अपोलियन इज़ द फेंडिश मोनेस्टर हुज इनहेबिट्स द वैली ऑफ फेमिलेशन. अच्छा, वैली ऑफ फेमिलेशन का जो हेड होता है या उनमें उनकी जो
यहाँ जो मैन एविल फोर्स यहाँ है वो एक मोनेस्टर होता है। यहाँ पे एज ए अपोलियन का जो करेक्टर डिस्क्राइब किया गया है एज ए अपोलियन एज ए एविल फोर्स इन द पाथ ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी। उसके बाद बेल्ज़बीब का करेक्टर आपको नज़र आएगा इस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में, ही इज़ द लीडर ऑफ द वैनिटी फेयर, ये लीडर होता है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द बेल्ज़बीब इज़ स्पेसिफिकली सपोज टू रिप्रेजेंट द किंग चार्ल्स वन, क्योंकि ये सारा जो पेस है उस टाइम प्यूरिटन एज का वो चार्ल्स टू के खिलाफ था, तो यहाँ पे जो बेल्ज़बीब का जो करेक्टर दिखाया गया है वो हो सकता है कि एलेगोरिकली चार्ल्स टू को रिप्रेजेंट करता हो। बेल्ज़बीब आल्सो ओवन्स द आर्चर्स जस्ट बियॉन्ड द विकेट गेट फ्रॉम विच द मैथ्यू स्टील फ्रूट। अच्छा, जब ये सेकेंड पार्ट की स्टोरी में जब मैथ्यू फ्रूट खाता है इस आर्चर्ड से, वो एक्चुअली वो आर्चर्ड वो जो बाग होता है गार्डन होता है वो बेल्ज़बीब का होता है जहाँ से ये फ्रूट स्टील करता है, और खाने के बाद ये मैथ्यू जो क्रिश्चियन और क्रिस्टीना का बेटा होता है वो बीमार हो जाता है। उसके बाद जो अहम करेक्टर है वो है होपफुल, एंड जैसे उसके नाम से ही क्लियर है कि ही इंस्पायर्ड बाय द फेथफुल स्टेट होपफुल जॉइंस क्रिश्चियन ऑन द पिलग्रिम्स एज ही लीव्स वैनिटी। वैनिटी के बाद जो क्रिश्चियन के साथ दूसरा करेक्टर दूसरा पिलग्रिम्स दूसरा कैंपेनियन आता है वो होपफुल होता है। A loyal companion and good intellectual, hopeful and Christian oracles on the pathway to the heaven. अब ये दोनों की जो destination है वो heaven है, God salvation है और celestial city है। Hopeful sees promise in a situation where Christian does not like in the dungeon of the doubting castle. अब सारे यहाँ पर ये जो adventurous journey में जैसे जैसे इनके लिए hindrances और challenges आ जाते हैं वहाँ पर ये जो hopeful होता है एक firm determination के साथ खड़ा होता है, इवन जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है उनमें भी इन क्रिश्चियन की हेल्प करता है। उसके बाद जो अहम करेक्टर आ जाता है वो आ जाता है मिस्टर सैगासिटी का। मिस्टर सैगासिटी ओनली अपीयर्स फॉर द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ द सेकंड पार्ट। अब ये जो सेकंड पार्ट की स्टोरी है वो क्रिश्चीना के बारे में, तो वहाँ पर सैगासिटी का जो रोल है वो एक माइनर किस्म का रोल है। मिस्टर सैगासिटी रिलेट्स द स्टेट ऑफ द क्रिश्चीना एंड द रेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रिश्चीना लेट, बट ही डिसअपियर आफ्टर हर कन्वर्जेशन एंड बुनियान अज्यूम्स द नरेशन सिंगल हैंडली। बस एक या दो टाइम से करेक्टर स्टोरी में अपेयर होता है, उसके बाद ये वहाँ पर गायब हो जाता है। उसके बाद क्रिश्चीना जो प्रोटोगोनिस्ट है सेकेंड पार्ट की इस बुक की, और शी इज़ द वाइफ ऑफ द क्रिश्चियना हु इज़ ओरिजिनली मोर क्रिश्चियन फॉर हिज पिलग्रम। जैसे ही वो इस होली जर्नी पे जा रहा होता है इनिशियली जब ये वाइफ से और बच्चों से डिस्कस करता है तो उनका सब मजाक उड़ाते हैं कि आप इस सारे प्रॉब्लम को देखकर यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, यू एक्चुअली स्किप यू आर कावर्ड देयर फॉर यू आर लिविंग द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। ही हैज़ अ चेंज ऑफ हर्ट एंड टेक्स टू द रोड हर सेल्फ। एक ये एक स्पिरिचुअल एक करेक्टर आपको नज़र आएगा जो एक प्योर करेक्टर है, जो एक मोरली फ्रेम डिटर्मिनेशन के साथ क्रिश्चियन वैल्यूज़ के साथ प्यूरिटन वैल्यूज़ के साथ खड़ा हुआ है आपको नज़र आएगा। एबल इंटेलिजेंट भी है एंड केयरिंग मदर भी है एंड शी इज़ अ मॉडल ऑफ आर फीमेल रीडर्स। अब ये एक बिल्कुल उन्होंने एक मोरल एक प्योर एक रोल मॉडल के तौर पर इनका करेक्टर दिखाया है स्टोरी में। शी एंड हर बैंड ऑफ पिलग्रिम्स रिप्रेजेंट द चर्च इन द एलेगोरी विच मस्ट बी लेड बाय द पैस्टर। अब इनका जो पूरा ग्रुप है जब ये होली जर्नी पे पिलग्रिम्स पे जा रहे होते हैं तो ये एलेगोरी चर्च की अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है जिनको एक पोप या एक जो प्रीस्ट है वो लीड करता है। उसके बाद मर्सी का करेक्टर आपको स्टोरी में नज़र आएगा। मर्सी इज़ अ वर्चुअस यंग वुमन हु सीज द वैल्यू इन द क्रिश्चियंस जर्नी एंड अंडरटेक इट विद हर। ये मर्सी का करेक्टर भी आपको एक पॉजिटिव करेक्टर आएगा। आप एलेगरी के लिए आप देखेंगे मर्सी के करेक्टर से क्लियर के दैट्स मर्सी, दो नॉट कॉल्ड डायरेक्टली बाय गॉड ही इज़ ए शी इज़ ए ग्रीशियस एंड शी इज़ सिंसियर एंड शी इज़ एडमिटेड थ्रू द विकेट गेट एंड शी इवेंचुअली मैरीज मैथ्यू। अब ये एक प्योर करेक्टर होता है जो इनको क्रिश्चीना की सेकेंड पार्ट की जो जर्नी होती है उनमें हेल्प करता है। इन द एंड इनकी जो शादी है वो क्रिश्चियन के बेटे मैथ्यू से हो जाती है। उनके बाद जो अहम करेक्टर स्टोरी में अपियर होता है वो आता है मिस्टर ग्रेट हर्ट का। मिस्टर ग्रेट हर्ट इज़ वन ऑफ द इंटरप्रिटेटर सर्वेंट हु इज़ सेंड टू द गाइड क्रिश्चीना एंड कंपनी
ऑन दियर पिलग्रम्स। अब ये इंटरप्रेटेड हाउस में जैसे ही ये क्रिश्चियन पहुँचती है तो उसके कंपनी में एक और जो पिलग्रम्स आता है, एक और जो इनका फेलो आता है, वो मिस्टर ग्रेट हर्ड होता है। एक्चुअली ग्रेट हर्ड का काम होता है कि दैट ही हैज़ टू गाइड द क्रिश्चियना एंड हिज एंटायर क्रू फॉर दिस होली जर्नी। ही रिप्रेजेंट द पेस्टर ऑफ द चर्च, ये चर्च का पेस्टर है, एंड ही इज रिप्रेजेंट द चर्च अथॉरिटीज। विदाउट हिज स्टीडफास्ट इंकरेजमेंट एंड गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन द बैंड ऑफ द पिलग्रम्स पार्ट वुड नॉट हैव मेड इट टू द सिटी ऑफ ज़ियोन। अब सिटी ऑफ ज़ियोन या सेलेस्टियल सिटी के साथ तरफ जो इनकी जर्नी होती है सेकेंड पार्ट के करेक्टर की, क्रिश्चियना और उनके पूरे ग्रुप की, वो कभी भी कम्प्लीट नहीं होती अगर ये इन करेक्टर का इनके साथ नहीं होते या इनकी जो गाइडेंस इन लोगों के साथ नहीं होती। उसके बाद जेम्स, ये सन है क्रिश्चियन का, ही मैरीज फेबी, और मैथ्यू जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियना का सबसे बड़ा सन है, ही मैरीज टू मर्सी। उसके बाद जोसेफ है जो इन्हीं का सन है, सैमुअल वन ऑफ क्रिश्चियन सन, मिस्टर ब्रिस्क दैट्स द मर्सी सूटर वाइल द पिलग्रम्स आर रेजिडेंट एट द ब्यूटीफुल प्लेस। अब जब ये मर्सी वहाँ पर होती है तो उनका जो सूटर होता है मिस्टर ब्रेक्सिक भी होता है। उसके बाद मिस्टर स्किल भी आ जाता है, एक फिजिशियन होता है, हु ट्रीट्स मैथ्यू व्हेन बिल्ज़बीब्स फ्रूट मेक्स हिम इल। जब वो बिल्ज़बीब के आर्चर्ड से एक फ्रूट स्टील करता है, खाता है, तो ये जो मैथ्यू बीमार हो जाता है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो करेक्टर आता है वो मिस्टर स्किल्स का आता है। उसके बाद जो अहम करेक्टर आता है वो आता है मिस्टर मैनसून का, जो एक्चुअली इन कीपर होता है वेनिटी में, वो उस हाउस द ग्रुप ऑफ द पिलग्रम्स, जो सारे पिलग्रम्स आते हैं वो उनके हाउस में स्टे करते हैं। ही इज़ वन ऑफ द ओनली गुड पीपल इन द वेनिटी एंड हेल्प्स मेनी पिलग्रम्स ऑन दियर जर्नी। अब वेनिटी फेयर का जो है एडवेंचरस एक प्लेस आती है, जब ये सारे पिलग्रम्स वहाँ पर होते हैं, सारे फेलोज वहाँ पर होते हैं, उनमें एक ही पॉजिटिव उन्होंने करेक्टर दिखाया है जो मिस्टर मैनसून है। उनका एक छोटा सा होटल होता है, इन होता है, जब ये जहाँ पर ये सारे पिलग्रम्स स्टे करते हैं वहाँ पर इन पिलग्रम्स की जो हेल्प करता है सारे प्रॉब्लम्स से, इन सारे वेनिटी फेयर से पास कराने के लिए, वो मिस्टर मैनसून होता है। उसके बाद जो अहम करेक्टर आता है वो मैडम बबल का आता है। मैडम बबल इज़ अ विच हु इनचांट्स इनचांटेड ग्राउंड्स, शी रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स रेपुटेशन, बट विद द ग्रेट हर्ट इज देयर गाइड, शी इज़ अनएबल टू सॉ क्रिश्चियना एंड हर ग्रुप ऑफ पिलग्रम्स। अब ये जो मैडम बबल का है, ये भी एक इविल फोर्स है जो सेकेंड पार्ट में आता है। ये जो है एलेगरिकली वर्ड्स की टेम्पटेशन ज़ाहिर करता है, लेकिन क्योंकि सारे सेकंड ग्रुप के पूरे ग्रुप के साथ मिस्टर ग्रेट हर्ड की जो गाइडेंस होती है तो वो इनको पहचान जाता है, वो सारे इनके जो ट्रिक्स हैं मैडम बबल के वो जानता है। एंड द एंड बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस ग्रेट हर्ड, ये जो क्रिश्चियना और सारा ग्रुप इनकी टेम्पटेशन या ट्रिक्स में नहीं आते। अब ये थे इम्पोर्टेंट करेक्टर पिलग्रम्स प्रोग्रेस के, मेरे ख्याल में अब करेक्टर आपको क्लियर होंगे। ठीक, अब जो सेकंड हमारा थर्ड लेक्चर होगा ऑन द पिलग्रम्स प्रोग्रेस, वो इनकी जो स्टोरी है पार्ट वन की, अब उनको